या सो आई वॉज टेलिंग यू कि वॉट वी हैव टू डू. सबसे पहला चीज की जो बीए थर्ड ईयर की क्लास है उसका टाइमिंग 9:15 पर है और आपको टाइम से ज्वाइन करना है. आप सबकी अटेंडेंस मैंडेटरी है, कंपलसरी है, और ये अटेंडेंस जैसी क्लास ओवर होगा तुरंत यूनिवर्सिटी भेज दिया जाएगा कि दिस पीपल ज्वाइन क्लास. और ऑनलाइन क्लास में पूरी मॉनिटरिंग हो जाती है कितने लोग आए हैं क्या है. जैसे 29 पीपल आर रजिस्टर्ड हियर बट ओनली 8 आर प्रेजेंट, केवल 8 लोग प्रेजेंट है ये शो करता. अब उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जब भी आप वेन एवर यू टॉक अबाउट दिस सेक्शन की हम लोगों को आखिर करना क्या है या किन किन चीजों पर ध्यान रखना है, जो एक क्लास शुरू हुई है उसका पर्पस क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, रिमेम्बर दैट वेन आई टॉक अबाउट योर क्लास देन दिस इज अ इट्स नॉट अ फिजिकल क्लास, इट्स अ वर्ड, इट्स अ ऑनलाइन क्लास, इट्स अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म, यू आर सिटिंग एट योर होम एंड माइन एट माइन, सो यू विल कम टू नो इट्स अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म एंड इन वर्चुअल ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म नाउ वी गॉट सच अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर वी कैन इंट्रैक्ट विद ईच अदर. इवन द टीचर कैन डिलीवर अ लेक्चर एंड बट दैट लेक्चर विल बी इन ऑनलाइन मोड. वह जो लेक्चर होगा ऑनलाइन मोड में होगा, वह लेक्चर उस तरह से नहीं होगा कि देर विल बी एनी फिजिकल क्लास रूम and teachers are in the classroom, teacher has taken chalk and duster, just writing or erasing, no, not at all. Here we have option, यहाँ पर हमारे सामने option कुछ दूसरे तरह का भी है जिसे हम लोग कर सकते हैं. लेकिन मेरा बस आपको बताने का जो नजरिया है वो यही है कि 40% classes online government का instruction भी है. और आप ये समझिए कि यू आर सिटिंग इन क्लास रूम, आपको ये समझना है कि मिस्टर शमीम इज फिजिकली प्रेजेंट. आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से अनम्यूट करके क्वेरी कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सेशन है डाउट है तो आप अपने हाथ को रेज कर सकते हैं, उसमें सिंबल बना हुआ है. देयर इज अ चैट बॉक्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन जस्ट राइट डाउन देयर एंड आई विल गिव यू टाइम टू आस्क द क्वेश्चन एंड देयर विल बी अ डाउट सेशन आल्सो. सारी चीजें होंगी, कुल मिलाकर के ये चीजें हैं. बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि इफ आई टॉक अबाउट बी ए थर्ड ईयर, इन बी ए थर्ड ईयर आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू वट द सिलेबस यू हैव. बी ए थर्ड ईयर में क्या सिलेबस है, दो आई हैव कम्प्लीटेड मोस्ट ऑफ द सिलेबस और आपको मैंने असाइनमेंट दिया था, यू हैव डन वेरी वेल और 5 मिनट्स का प्रेजेंटेशन भी था, उसमें भी आपने काफी खूबसूरत ढंग से प्रेजेंट भी किया था. लेकिन कुछ लोग इनएक्टिव थे, उनकी एक पूरी लिस्ट है, तैयार भी है, जो मांगा भी गया है. तो जो इनएक्टिव है या जिन्होंने अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट नहीं किया था वो चीजें हमें माइंड में है, उनके नेम भी हमने तैयार किए हुए हैं. और दूसरा चीज की जो लोग अटेंडेंस यहाँ पे अभी तक नहीं दे पाए हैं या यहाँ पे नहीं है, दे ऑल हैव टू ज्वाइन दिस सेशन, क्योंकि अभी क्लासेस आपकी ऑनलाइन ही चल रहा है ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ COVID-19. वी ऑल हैव टू मेंटेन आवर फिजिकल डिस्टेंस बिकॉज दैट्स अ कॉन्टेजियस डिजीज, इफ वी कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एनीवन देयर इज अ स्लाइट चांस टू बी इन्फेक्टेड. सो टू प्रोटेक्ट योर लाइफ एंड टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट दैट वी हैव टू टेक ऑनलाइन क्लास. बट हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि वट डू यू नो अबाउट योर सिलेबस. काफी समय हो चुका है और इधर जब से आपने असाइनमेंट जमा किया है यू आर नॉट देयर एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू फॉरगॉट, बट आई जस्ट वॉन्ट टू रिकॉल इन टूडेज क्लास. आज की क्लास में केवल उन चीजों को रिकॉल करना चाहता हूँ. वट डू यू रिमेम्बर, कौन कौन सी चीजें आपको याद रह गई. मे आई नो कैन एनी वन टेल मी की हाउ मेनी पेपर्स यू है, कितने पेपर आपके यहाँ है बी ए फर्स्ट ईयर में, सॉरी बी ए थर्ड ईयर में, पेपर्स का नाम क्या है और उस पेपर में क्या क्या चीजें हैं. दो आई हैव डन, मैंने आपका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया था, थर्ड पेपर को लेके मैं बात कर रहा था और देयर इज अ चांस कि ज्यादातर चीजें जो होगी वो थर्ड पेपर से ही रिलेटेड होगी. तो जस्ट आई वॉन्ट टू नो अबाउट पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड एंड पेपर थर्ड, जस्ट आई वॉन्ट टू. कैन एनी वन टेल मी वॉट इज द टाइटल ऑफ पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट का टाइटल क्या है.
पेपर सेकंड का टाइटल क्या है और पेपर थर्ड का टाइटल क्या है, और पेपर फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या क्या चीजें सिलेबस में है। आसपा, सहर, इरम, अफीफा, फैसल, साहिबा, इकरा, आयशा, उनैशा, शाजिया। मे आई नो व्हाट इज इन पेपर फर्स्ट? आप में से कोई भी यू कैन अनम्यूट और यू कैन राइट इन चैट बॉक्स में, या आई गॉट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दैट्स गुड दैट हैज बीन जस्ट सेंट बाय सहर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आयशा ने भी बताया है, साहिबा ने भी बताया है, साहिबा ने इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इज पेपर सेकेंड, दैट्स गुड गुड साहिबा। So we came to know about two papers, and these two papers, paper first is history of English literature and paper second is Indian writing in English. History of English literature, paper first, and paper second is Indian writing in English. जो paper first है उस पर हमने बहुत सारे lecture deliver किए हुए, and all the lectures are available on my YouTube channel. और PDF फाइल भी बहुत सारा आपके ग्रुप में मैं टाइम टू टाइम सेंड करूँगा, लेकिन आज से मैं एक एक टॉपिक पेपर फर्स्ट का भेजता रहूँगा आपके ग्रुप में। यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू वॉच दैट वीडियो। जैसे ही अभी क्लास ओवर होगा तुरंत पेपर फर्स्ट का एक एज है जिसे हम मॉडर्न एज के नाम से जानते हैं। The name of that age is modern age. उस modern age को मैं आपको पूरा भेजूंगा, उसका content भी मैं भेज दूंगा PDF file. You have to go with that age. और उसमें क्या क्या पढ़ना है, कई सारे videos हैं उससे related, 5-6 एक एक video आपको देखना है, और देखने के बाद आपको आपको कुछ ना कुछ उस पर कमेंट जरूर करना है कि what do you come to know, क्योंकि अगला question मेरा उसी से होगा आपका। आई विल कंडक्ट ओरल टेस्ट आल्सो, तो अगला क्वेश्चन मेरा जो होगा अगले दिन वो ओरल टेस्ट के रूप में होगा। तो बी रेडी फॉर पेपर फर्स्ट, कि पेपर फर्स्ट जो है आपको उस वीडियो को देखना है, उसको सारे पॉइंट्स को नोट करना है, और नोट्स बना करके आपको मुझे कल दिखाना है। वो किससे रिलेटेड होगा? मॉडर्न एज से रिलेटेड होगा। मॉडर्न एज की नोट्स बना करके आपको मुझे दिखाना, और उस पे जाकर के कुछ ना कुछ आपको कमेंट करना कि व्हाट डू यू कम टू नो, आपने मॉडर्न एज के बारे में क्या सीखा उस वीडियो को देख करके, वॉच करके आपको कमेंट करना है। तो पेपर फर्स्ट आपको कहाँ से कवर करना है? यू विल कवर पेपर फर्स्ट फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लेक्चर फ्रॉम एंग्लो सैक्सन टू मॉडर्न एज, और इवन उसमें फेमिनिज्म की भी कॉन्सेप्ट है, पोस्ट कोलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, पोस्ट मॉडर्न एज का कॉन्सेप्ट है। यू विल कम टू नो दैट ऑल द लेक्चर्स आर अवेलेबल देयर, सारे लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल। तो जब सारे लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल है तो आई विल सेंड यू वन बाय वन एक एक करके। तो कल जो मैं लेक्चर भेजूंगा वो कौन सा लेक्चर होगा, आज ही मैं भेजूंगा, बट कल आपको प्रिपेयर करके आना है, और उसमें आपको ये बात करनी की क्या क्या चीजें, दैट इज अ मॉडर्न एज को लेकर के रहे। और जहां तक बात है पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड में मैंने आपको बताया था कि चार इंपॉर्टेंट किताबें, देयर आर फोर इंपॉर्टेंट बुक्स, और पेपर सेकंड का मतलब कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश मींस ऑथर्स हु वर बोर्न इन इंडिया रोट इन इंग्लिश, उसको लेकर के वहां पे बात कही गई। एंड हु आर दोस फोर ऑथर्स, उनमें से एक ऑथर है महेश दत्तानी, जिन्होंने ड्रामा लिखा है सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर। महेश दत्तानी का सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर। आई डिलीवर्ड लेक्चर इन क्लासरूम, आई जस्ट टोल्ड व्हाट द स्टोरी इट हैज, एंड इवन यू विल कम टू नो कि परहैप्स एक इससे रिलेटेड एक लेक्चर अवेलेबल है, वहां पर भी हम देखेंगे। अगर वो लेक्चर अवेलेबल होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसका भी वीडियो में देखूंगा।
तो एक तो है पेपर सेकंड में महेश दत्तानी का सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर, ये पेपर सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, जो ड्रामा है जो ट्रांसजेंडर लाइफ को लेकर के डील करता है या बात करता है, जिसपे अनारकली को लेकर के, चंपा को लेकर के, सुरेश राव को लेकर के, उनके आपका सुरेश राव के अलावा सुब्बू को लेकर के, कमला को लेकर के, और इस तरह से कुछ कैरेक्टर्स हैं, और उसमें कोलिशन बिटवीन पॉलिटिशियन एंड पुलिसमैन को दिखाया। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हेन यू गो विद दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, इन सब चीजों को आपको अपने माइंड में रखना है कि कैसे आप इसे टैकल करेंगे। तो पेपर फर्स्ट फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल यू हैव टू गो, यू हैव टू नोट ऑल दोस पॉइंट्स, आई विल सेंड यू पीडीएफ फाइल आल्सो, मैं आपको पीडीएफ फाइल भी पेपर फर्स्ट से रिलेटेड भेजता रहूंगा, वो सारी चीजें आपको कवर करें। जहां तक पेपर सेकेंड की बात है, तो पेपर सेकेंड में मैंने आपको बताया था इंडियन राइटिंग इंग्लिश, उसको मैं पहले करा चुका हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं उसको दोबारा रिवाइज करा दूंगा, बट लेक्चर्स रिलेटेड टू पेपर सेकेंड वो भी अवेलेबल है। उसपे क्या क्या चीजें हैं, सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर दैट इज द प्ले रिटन बाय महेश दत्तानी। दूसरा जो प्ले का दूसरा जो आपका है एक नॉवेल है, उस नॉवेल का नाम है अनटचेबल रिटन बाय मुल्कराज आनंद, अनटचेबल रिटन बाय मुल्कराज आनंद। जो अनटचेबल है ये नॉवेल है, यहाँ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, इसपे केवल क्वेश्चन आंसर आएगा, बट बी रेडी फॉर दैट क्वेश्चन आंसर and you will be able to understand the whole thing if you know about summary, if you know about plot, if you know about character, you will be able to cover all the things, aap sari cheezon ko cover kar, so that is what that is paper second, wo kisko lekar ke hai, paper second ko lekar ke, jab hum paper second ko lekar ke baat karte hain to paper second mein ek to indian writing in english mein seven steps around the fire that is a play, अनटचेबल और नॉवेल बाई मुल्कराज आनंद, उसके अलावा एक आपका यू विल कम टू नो एक और पॉइंट है जिसका नाम है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज बाई महात्मा गांधी, उन्होंने एक प्रोज लिखा हुआ था उसको भी लेकर के बात किया गया था कि गांधी का ओपिनियन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ इंडिया गांधी या व्हाट टाइप ऑफ इंडिया गांधी वांट, किस तरह का भारत गांधी देखना चाहते हैं, उसको लेकर के बात हुई थी या उसको लेकर के किया गया। सो ये जितनी भी चीजें हैं इन सारी चीजों को लेकर के आपको तैयारी करनी, मैंने बताया कि मैं ज्यादातर ओरल टेस्ट कराऊंगा, मैं अपने लेक्चर बहुत ज्यादा नहीं दूंगा आपको, मैं इंस्ट्रक्ट करता रहूंगा, यू हैव टू गो देयर बट आई विल कंडक्ट ओरल टेस्ट, मॉडर्न एज में क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या आपको तैयार करना है, दिस इज टू कीप इन योर माइंड। अब उसके बाद एक चीज आता है कि पेपर सेकंड में जो इंडियन राइटिंग इंग्लिश है उसमें और क्या है, उसमें पोइट्री, पोइट्री वो भी किसकी पोइट्री है, सम इंडियन पोएट्स जिसमें लक्ष्मण भाई सोनू दत्ता है, और भी सम ब्यूटीफुल पोएम्स यू फाइंड, सो दैट पोएम वी हैव टू प्रिपेयर, उस पोएम को भी हमें प्रिपेयर करना या उस पोएम को भी लेकर के हमें बात करनी है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट आई वांट टू से, व्हेन एवर यू गो या व्हेन एवर यू फाइंड दिस पॉइंट, जब भी आप इस पॉइंट्स को लेकर के बात करते हैं या जब भी आप इस पॉइंट्स को देखते हैं, तो पहले किसी भी स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि वी मस्ट नो अबाउट आवर सिलेबस, हम अपने सिलेबस से वाकिफ हो, सबसे पहला चीज सिलेबस में कितने पेपर हैं, तीन पेपर हैं, पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, व्हेन आई टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो हमें क्या क्या पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में वी हैव टू गो विद एंग्लो सैक्सन पीरियड, वी हैव टू गो विद द मिडिल एजेस, एंग्लो सैक्सन पीरियड कब से कब तक, 450 से लेकर 1066 तक। फिर उसके बाद हमें किसको कवर करना है, हमें जो है आपका द मिडिल एजेस कवर करना है, द मिडिल एजेस 1066 से 1450 ईस्वी तक, एंड इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, जिसमें एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1350, एज ऑफ 64 1350 से 1400, डार्क मिडिल एज 1400 से 1450 तक।
कवर करना। एक क्लासिफिकेशन ऑफ द एजेस मैं दोबारा आपको भेज दूंगा, उसको नोट कर लीजिएगा, और कल मैं क्वेश्चन भी उस पर पूछूंगा। एंड व्हाट एवर द वीडियो यू सी, व्हाट एवर द वीडियो यू वॉच, नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स एंड आल्सो लीव द कमेंट इन देयर, उसको आपको ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि एज ऑफ रिवाइवल जो 100 साल का था 1450 से 1550, उसके बाद आपका रिनेशा इन इंग्लैंड जिसमें पहला पीरियड एलिजाबेथन एज 1558 से 1603, फिर जैकोबियन एज 1603 से 1625, उसके बाद आपका जैकोबियन एज के बाद कैरोलिन एज 1625 से 1649, कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1660, देन यू फाइंड रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700, देन यू फाइंड अगस्टन एज या एज ऑफ अलेक्जेंडर फोर्थ 1700 से 1745, देन यू फाइंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी दैट इज आल्सो नोन एज एज ऑफ इनलाइटमेंट और एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन 1745 से 1785, देन यू फाइंड रोमांटिक एज 1798 से 1837, देन यू फाइंड विक्टोरियन एज 1837 से 1901, देन यू फाइंड मॉडर्न एज 1901 से 1945, देन यू फाइंड पोस्ट मॉडर्न एज 1945 से 1990, नाउ वी आर इन द पोस्ट ट्रूथ इरा, पोस्ट ट्रूथ इरा जो 2020 के बाद से लगभग हम कह सकते हैं शुरू। तो यू कम टू नो अबाउट दीज थिंग, तो ये पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में ये सारी चीजें पढ़ना। जैसे आपने, आपको याद होगा मैंने एक असाइनमेंट दिया था, उसमें आई जस्ट टोल्ड यू कि यू मस्ट नो अबाउट मिरेकल क्ले, जो मैंने बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा कि टाइप्स ऑफ पोइट्री, जिसमें मैंने सॉनेट को पढ़ाया था, मैंने एलिजी पढ़ाया था, मैंने आपको जो है ओड पढ़ाया था, मैंने आपको लिरिक पढ़ाया था, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में बैलेट पढ़ाया था, एपिक पढ़ाया था, मॉक एपिक पढ़ाया था, और साथ ही साथ मैंने आपको जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ाया था, ड्रामेटिक लिरिक पढ़ाया था, रेट्रिक और प्रोसोडी मैंने पढ़ाया था, फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था, रेट्रिक और प्रोसोडी में मीटर हुआ उसको लेके बात हुई थी, स्टैंजा फॉर्म हुआ, वर्स फॉर्म हुआ, रिदम हुआ, राइम पैटर्न हुआ, और इस सब चीजों को लेकर के सिंबल है, इमेज है, फिगर्स ऑफ स्पीच है, उसको लेके मैंने बात किया था। वो सब चीजें आपको फर्स्ट ईयर काफी हद तक यू विल कम टू या यू विल गेट इन बीए थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट, वो सब आपको पता होना चाहिए। बीए सेकेंड ईयर में आपके यहाँ अभी बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर था प्रोज, बीए फर्स्ट ईयर में मैंने आपको प्रोज में प्रोज एंड इट्स टाइप पढ़ाया था, ऐसे क्या है, फॉर्मल ऐसे, इनफॉर्मल ऐसे, पीरियडिकल ऐसे, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोयर, ट्रेवलॉग और नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल, एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, आई जस्ट टोल्ड यू, डायरी को लेकर के मैंने बात किया था। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ये सब चीजें किसी न किसी रूप में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में यू विल गेट। उसके बाद बीए सेकेंड ईयर में आपके यहाँ नॉवेल था और ड्रामा था, मैंने नॉवेल पढ़ाया था, व्हाट इज नॉवेल, मैंने पढ़ाया था द डिफरेंस बिटवीन द नॉवेल एंड ड्रामा, मैंने आपको ये बताया था कि ओरिजिन ऑफ द नॉवेल, फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल, मैंने आपको ये भी बताया था टाइप्स ऑफ द नॉवेल, जिसमें पिकरेस्क नॉवेल, एपिस्टेलरी नॉवेल, रीजनल नॉवेल, साइंस फिक्शन, साइकोलॉजिकल नॉवेल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक, डिटेक्टिव फिक्शन, क्राइम नॉवेल, कैंपस नॉवेल, एंड आई आल्सो टोल्ड यू डोमेस्टिक नॉवेल, आई आल्सो टोल्ड यू हिस्टोरिकल नॉवेल, रियलिस्टिक नॉवेल, आई आल्सो टोल्ड यू अबाउट द गॉथिक नॉवेल्स, दीज नॉवेल्स आई टोल्ड, उसके टाइप्स को भी मैंने बात किया था। मैंने ड्रामा भी जब बताया था व्हाट इज ड्रामा, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, एलिमेंट्स उसके सेवन एलिमेंट्स को लेकर के कि स्टेज है, प्लॉट है, कैरेक्टर है, डायलॉग है, कॉन्फ्लिक्ट है, और मैंने ये भी बताया था कि उससे रिलेटेड जो और भी चीजें थी, आई जस्ट डिस्कस्ड विद यू, हियर आई वांट टू टेल यू कि ड्रामा का ब्रॉडली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रेजेडी, कॉमेडी, देन आई टोल्ड यू अबाउट ट्रेजेडी यानी टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, आई टोल्ड यू अबाउट मॉडर्न ट्रेजेडी, रेस्टोरेशन ट्रेजेडी, आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट कॉमेडी में ग्रीक कॉमेडी, शेक्सपियरियन कॉमेडी, रेस्टोरेशन कॉमेडी, सेंटीमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी, आई टोल्ड यू अबाउट थिएटर ऑफ एब्सर्ड, एंग्री यंग मैन, आई टोल्ड यू अबाउट ब्लैक कॉमेडी, आई टोल्ड यू अबाउट
क्लोजर ड्रामा मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरेंटी प्ले, इंटरलूड, एवरी मैन जो कि मोरेंटी प्ले का एग्जाम्पल है, गार्बाडक को लेके बात हुई थी, राठ राइस्टर राइस्टर को लेके बात हुई थी। तो यू विल कम टू नो, ये जो भी चीजें मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, सेकेंड ईयर में पढ़ाया था, वो चीजें रिवाइज की जा रही, वो चीजें रिवाइज। और रिवाइज का सिंपल सा मतलब केवल यही है कि यू हैव टू गो विद दोस पॉइंट, वो आपको बीए फर्स्ट ईयर में काम, बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में काम देगा। तो वट एवर यू रेड इन बीए फर्स्ट ईयर, वट एवर यू रेड इन बीए सेकेंड ईयर, यू हैव टू रिवाइज। यू डोंट हैव टू गो द होल सिलेबस, बट यू हैव टू गो द फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ नॉवेल, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ प्रोज। ये मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया था। इससे रिलेटेड मैं आपको क्या करूंगा, दोबारा मैं एक एक वीडियो में भेजता रहूंगा, लेकिन बार बार मेरा कहना यही है, यू हैव टू वॉच दैट वीडियो। और आप अपने आप को तैयार करिए कि अनम्यूट कैसे किया जाता है, उसका आंसर कैसे दिया जाता है, उसके तरीके क्या हैं, देन यू विल बी एबल। इसमें क्वेश्चन आया सर, अब जो सहर ने पूछा है सर, अब जो फाइनल होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा या क्या? अभी इसका कोई बिटिया आया नहीं है, यूनिवर्सिटी से जब आएगा तब आपको बताएंगे कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, बट आई टिल नाउ आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, एक पॉइंट मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि पेपर फर्स्ट काफी ब्रॉड है, इतना आसान नहीं है, लेकिन आप उसे आसान बना सकते हैं। कैसे? ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो को वॉच करिए जो पीडीएफ फाइल में भेजूंगा उसको, प्लस जो मैं ओरल टेस्ट कल से कंडक्ट कराऊंगा पेपर फर्स्ट को लेकर के, उसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आप नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम पेपर फर्स्ट में बनी रहेगी, और मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद यही कि पेपर फर्स्ट विल बी इन ऑब्जेक्टिव मोड, पेपर फर्स्ट ही ऑब्जेक्टिव होगा, ऐसा उम्मीद नहीं है, लेकिन कंफर्म, मैं कंफर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि एकदम कंफर्म, ऐसा उम्मीद है, ऐसा उम्मीद की जा सकती है। एज फार एज मैटर इज कंसर्न टू पेपर सेकेंड, वहां से एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेनेशन किससे किससे आएगा? हिंद स्वराज से आएगा। एक्सप्लेनेशन किससे आएगा? सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर से आएगा। एक्सप्लेनेशन किससे आएगा? पोइट्री से आएगा। और ये सारे एक्सप्लेनेशन वगैरह मैंने आपको काम दिया था, यू हैव डन वेरी वेल, अगेन एंड अगेन आई एम एडमायरिंग यू, यू ऑल हैव डन वेरी वेल, आपने उसको असाइनमेंट लाके जमा किया, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन उतना बेहतर नहीं है। सो प्रिपेयर योरसेल्फ टू प्रेजेंट एनीथिंग, बिकॉज नाउ यू आर नॉट इन बीए फर्स्ट ईयर आर इन इंटरमीडिएट, यू डोंट हैव टू बी एनी टाइप ऑफ हेजिटेशन और लैक ऑफ कम्युनिकेशन, नो, यू हैव टू शो बोल्डनेस, you have to show that you have confidence, you are able to communicate or interact with anyone at all, there is no problem. You have to develop such a confidence, you have to build such a type of confidence. So then usme ye cheez ho sakti. To jo paper second hai, paper second mein those authors are in paper second jinhone, आप कह सकते हैं कि इंडिया के बॉर्न ऑथर्स हैं, जैसे महात्मा गांधी को वी हैव रेड, वी हैव हर्ड, वी हैव रेड फादर ऑफ नेशन, एंड वी कम टू नो अबाउट महेश दत्ता जी, अभी जिंदा है, अमेरिका में है और अपनी बहन से अभी मिलने आए थे, कर्नाटका के हैं, दक्षिण साउथ इंडिया के। तो उन्होंने एक जो ड्रामा लिखा सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर, वो बहुत ही पैथेटिक ड्रामा है, इट टेल्स अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ द पुअर सिचुएशन ऑफ यू कैन से कि ट्रांसजेंडर को लेके बात की है उन्होंने। इसके अलावा उनका उसके अलावा एक नावल है अनटचेबल मुल्क राजानंद, जो 1935 में पब्लिश हुई थी। मुल्क राजानंद के उस नावल में कास्ट प्रॉब्लम को, खास करके जो दलित है उनको कैसे उस समय ट्रीट किया जाता था, हाउ आर दे अनटचेबल एंड हाउ डिड दे कम इन द मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ, उनका जो संघर्ष है, इवन यू कैन जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ ज्योतिबा फूले, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सावित्री बाई फूले, हाउ दे वर ट्रीटेड और कैसे मूवमेंट खड़ा हुआ, और गांधी के जमाने में कास्ट सिस्टम कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, सब चीजों को लेकर के बात उन्होंने किया हुआ है। खासकर अगर आपको याद होगा, कैरेक्टर है सोहिनी है, काली प्रीस्ट कालीनाथ है, पाखा है, लाखा है, चरण सिंह है, दीज थिंग्स यू विल कम टू नो कि कैसे वो सिस्टम को लेकर के बात करते हैं वहां पर।
उसके अलावा मैंने बताया कि कुछ पोएम्स हैं, उस पोएम्स को मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं उसका ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ में पढ़ाऊं और उसको एक्सप्लेन कर दूं कुछ इम्पोर्टेंट की लाइन, उस पर मुझे बात करना है। अब हम आते हैं पेपर थर्ड पर। मतलब आज मैं केवल आपसे अपनी प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, सिलेबस को लेकर बात कर रहा हूँ, व्हाट यू हैव रेड एंड व्हाट रिमेन टू रीड, आपने क्या पढ़ा है और क्या बचा है पढ़ने के लिए और कहाँ कहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो पेपर फर्स्ट और सेकेंड में वी हैव डन वेरी वेल, वी हैव डन वेरी वेल, बट यू नीड टू रिवाइज इट, आपको रिवाइज करने की जरूरत है। पेपर थर्ड की जहां तक बात आती है तो इसका नाम है न्यू लिटरेचर। न्यू लिटरेचर में यू फाइंड व्हाट यू फाइंड कि ऐसे राइटर जो अदर पार्ट, दे डोंट बिलोंग टू इंडिया, दे डोंट बिलोंग टू ब्रिटेन एक्सेप्ट इट कैरेबियन आइलैंड से, अफ्रीकन राइटर्स आर यू कैन से श्रीलंका का या साउथ एशिया का या यू कैन से कि अफ्रीका अमेरिका, वहाँ के जो राइटर्स हैं उन्होंने जो लिटरेचर में काम किया उनके उस लिटरेचर को हम किस नज़रिए से देख रहे हैं, न्यू लिटरेचर के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो विद, तो उसमें कई बहुत खूबसूरत राइटर्स रखे गए हैं, दे आर हाईली सिग्निफिकेंट। एक तो आपको यू विल कम टू नो जू नाम का जो ड्रामा है उसको भी लेकर के मैंने बात किया था, एडवर्ड एल्बी का एक प्ले है जू, उसमें कैसे दिखाया गया जो मॉडर्न एज का प्ले है। इसके अलावा यू फाइंड एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचिबे, अफ्रीकन राइटर, वहां पर कैसे अफ्रीका की जो कल्चर है उसका अपना जो सिविलाइजेशन है जो उसका अपना लिटरेचर है, हाउ इट वाज अटैक्ड, हाउ द चेंज दे फाइंड देयर विद द कमिंग ऑफ द मिशनरीज और विद द कमिंग ऑफ द क्रिश्चियंस और द इंपीरियलिज्म, उसको लेकर के वहां पे बात की गई है। बाकी जो है अगर आपको याद होगा, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि फेमिनिज्म को लेकर के बात की गई थी, जो मैं पढ़ा रहा था वो बीच में ही छूटा हुआ था और स्टोन क्रॉफ्ट का था वर्क जो है, फेमिनिज्म को लेकर के भी बात की गई है, एक पूरा का पूरा सेक्शन रखा गया है। तो एक पूरी पोयम है, पोइट्री है, उसको भी वहां पे रखा गया है, उसको भी लेकर के बात हुई है कि पोइट्री को 5 पोयम्स है, उसमें एडी होप का एक पोयम ऑस्ट्रेलिया है, एक अमेरिकन पोएट है, कुछ और भी पॉपुलर पोएट्स हैं, उसको लेकर के हमें बात करनी। सो दीस आर द पॉइंट्स, नॉवेल भी एक है, तो जब हम उस पर आएंगे तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो ये हमारे प्लान है, इस पर हमें काम करना है। अगर आपका कोई क्वेरी हो या अगर आपको कुछ कहना हो तो यू कैन से सब एनी क्वेरी इफ यू वांट टू से। शाजिया का सर ये बुक आपने लिखी है, शाजिया कौन सी बुक, विच बुक यू आर सेइंग? या बीए थर्ड ईयर का जो बुक है उसमें जो पोइट्री है दैट वाज रिटन बाय मी, या वो तो मैंने लिखा है बट आई डोंट नो विच बुक यू आर टॉकिंग, थर्ड बुक या बीए थर्ड ईयर का जो पोइट्री का है, या उसको मैंने लिखा हुआ थर्ड ईयर का जो पोइट्री का, या एनी अदर पॉइंट? आई थिंक नाउ आई हैव टू कंक्लूड एंड बी रेडी टू अटेंड योर क्लास टुमारो एट 9:15। लेकिन उसके पहले आपको जो काम करना है वो कौन सा काम करना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, मॉडर्न एज का, मैं एक वीडियो भेजूंगा, एक या दो वीडियो होगा, हो सकता है 2-3 से ज्यादा हो, वो सारे वीडियोस अच्छे ढंग से सुनिएगा, सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा और कल हम उस पर ओरल टेस्ट कराएं। ठीक, ओके।